इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि वो अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में हमेशा खुशियों को पाता रहे और वो जिस भी फील्ड में अपना कदम रखे उस फील्ड में एक सक्सेस को हमेशा वो देखे, निहारे और उसको पाने की कोशिश करे। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में उसे सक्सेस मिले, लेकिन इंसान का जो मन है वो अस्थिर नहीं होता। हर एक इंसान को अपने गोल को एक सेट कर लेना चाहिए। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, जब तक आपका कोई एम नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन के जो मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग को ही जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे, तब तक आपको सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो बिल्कुल आप एक गोल डिसाइड कीजिए। गोल डिसाइड करने के बाद में आप उसी रास्ते पे चलिए। उसी रास्ते को पाने के लिए आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, आप मेहनत कीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। आपको याद होगा कि आज तक के जितने भी लोगों ने सक्सेस पाई है, उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया, वो किसी दूसरे का नहीं देखे, किसी दूसरे को नहीं समझे, किसी दूसरे का देख करके वो काम नहीं किए और वो आगे बढ़ गए। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं हमने अपना गोल डिसाइड किया, उसके बावजूद भी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम देखते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन हमने देखा अरे वो तो इंजीनियर होगा, वो तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, मुझे भी उसी फील्ड में जाना चाहिए। बस यहीं से इंसान की जो लाइन है वो चेंज हो गई, उसका एम जो है वो भटक गया, मन भटक गया, और मन भटक गया इंसान का तो इंसान अपने जीवन में सक्सेस को पा नहीं सकता। अपने मन पे काबू पाइए, किसी दूसरे का मत देखिए। हाँ, उससे एक्सपीरियंस गेन कीजिए। एक्सपीरियंस उससे गेन करेंगे तो उसके अंदर उसने जो जो कमियाँ अपने जीवन में झेली हैं, उसने जो जो संघर्ष किए हैं, उससे आप जानकारी लीजिए और उस जानकारी से आप इंस्पायर होइए। इंस्पायर होकर के आप उस जानकारी से कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन के सक्सेस को पाने के लिए कम से कम समय देना होगा। क्योंकि जब आप अनजान होते हैं हर एक चीज़ से, हर एक नए रास्ते से, और कोई आपको गाइड करता है कि आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये टर्न मिलेगा, वहाँ पे आपको एक पेड़ मिलेगा, वहाँ पे आपको एक नल मिलेगा जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, तब आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाता है। जब आपका रास्ता आसान हो गया, आपको पता चल गया कि हाँ आगे नल मिलेगा, आपने खाली बॉटल ले ली और आगे उस नल पे जा करके आपने पानी पीना स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़े, उसने बताया कि वहाँ पे आपको खाना फ्री मिलेगा, आपको पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं, आपको खाना भी वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, किसी से इंस्पायर हुई उसके लाइफ में, उसके उस जीवन में, लेकिन वो भी ऐसे लोगों से जो आपके फील्ड से जुड़े हैं, जो आपके फील्ड से बिलोंग करते हैं और उसी फील्ड में उन्होंने अपनी सक्सेस पाई है और उसी फील्ड को आपने अपना अगर एम बना रखा है तो उसी फील्ड में आप चलिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में कभी अनसक्सेस को फील नहीं करेंगे। कब? जब आप अपने सक्सेस को पाने के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। संघर्ष हर कोई करता है, हर एक व्यक्ति संघर्ष करता है। कुछ लोग रास्ते भटक जाते हैं, कुछ लोग संघर्ष करते करते अपने रास्ते को छोड़ देते हैं, कुछ लोग के माइंड में यह आ जाता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेहनत करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, सफलता तो एक दिन आपको मिलनी है। जब भी आपको सफलता मिलनी होगी तभी आपके जीवन में, आपके रास्ते में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और जब भी आपको कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़े समझ लीजिए कि अब मंजिल दूर नहीं है। जब आपकी मंजिल दूर नहीं रहेगी तो आपको सफलता मिल जाएगी, और उसी पे अगर आप भटक गए तो आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ों को आप ऐसे देखेंगे जो अंधेरा बनकर रह जाएगा, जिसमें कभी प्रकाश नहीं आएगा, और जब प्रकाश नहीं आएगा तो आप अपने जीवन से सैड हो जाएंगे और आपके माइंड में गलत तरीके आने लगेंगे, गलत चीज़ें आने लगेंगी, आपका मन पूरी तरीके से भटक जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल अपने मन को भटकने, अपने मन पे काबू कीजिए, और अपने मन पे आपने काबू कर लिया, आपने अपने एम को डिसाइड कर लिया, सक्सेस आपकी चरण चूमेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। संघर्ष सभी के साथ है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास गाइड करने वाला नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो हर एक चीज़ को आप अपने जीवन में किसी दूसरे की जीवन शैलियों से उतारिए, देखिए कि उसने क्या किया, उसको उसके जीवन में क्या क्या कठिनाई है, वो मुझसे पुअर था या मुझसे धनी था, अगर वो मुझसे भी गरीब था तो उसके जीवन में क्या क्या संघर्ष उसको झेलने पड़े, उनसे आप इंस्पायर होइए, शिक्षा लीजिए, गाइड लीजिए, फिर देखिए आपका रास्ता कितना आसान हो जा रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो दोस्तों आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई, और आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो।